हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ठाकुर जी की धोती बनाना बताऊंगी। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि मैम मुझे ठाकुर जी की धोती बनाना बताइए। उन्होंने साइज़ भी बताया था तो मैं उन्हीं के साइज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो बाकी लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ट्रिक दूंगी ताकि आप किसी भी साइज़ के धोती आराम से बना सकें। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने धोती बनाने के लिए प्लेन कपड़ा ले लिया है और इसी से आज हम लोग धोती तैयार करेंगे। तो पहले इसे हम लोग दो तह में रख लेंगे। तो देखिए, मैंने कपड़े को दो तह कर लिया है, ये पहला तह है और ये दूसरा तह है, और हम लोग खुले भाग की तरफ से कटिंग करेंगे। आज हम लोग जो धोती बना रहे हैं उसका लेंथ जो है सिलने के बाद 7 इंच रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। तो हम लोग कमर पट्टी के लिए पहले 2 इंच साइड कर लेंगे, यानी ऊपर कमर पट्टी में हम लोग 2 इंच देंगे और नीचे का जो है उसमें हम लोग 5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बनने के बाद हमारा 7 इंच हो जाएगा। तो 5 इंच में 1 इंच मैं एक्स्ट्रा जोड़ूंगी, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर कमर पट्टी के पास सिलाई के लिए। तो इस तरीके से पहले हम लोग नीचे का कटिंग कर लेते हैं 6 इंच का। तो देखिए, इस तरीके से रखना है हम लोगों को 6 इंच, ताकि सिलने के बाद नीचे 5 इंच बचे। तो 6 इंच लेंथ ले लेंगे हम लोग। और अब क्या करेंगे, हम लोगों ने लेंथ लिया है 6 इंच, तो 6 इंच का आधा होता है 3 इंच। तो हम लोग 3 इंच करके 3 बार निशान लगाएंगे इस तरीके से। पहला 3 इंच पे एक निशान लगाया मैंने, फिर एक और निशान लगाएंगे 3 इंच पे, उसके बाद एक और निशान लगाएंगे हम लोग 3 इंच पे, यानी टोटल 9 इंच इसका लंबाई लेंगे। और सभी को निशान को मिला लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से। देखिए, मैंने 3-3 इंच पे 3 निशान लगा लिए हैं और अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। जो निशान लगाए हैं हम लोगों ने 3 इंच पे, उसकी कटिंग नहीं करेंगे, जो सीधा सीधी निशान है उसकी कटिंग कर लेंगे पहले। तो देखिए, हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का पट्टी तैयार हो गया है। और जब भी आप धोती की कटिंग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी साइज़ का अगर आपका धोती है तो पहले आप उसमें से कमर पट्टी के लिए अलग हटा लें कि कितना आपको कमर पट्टी का चौड़ाई लेना है। जैसे अगर मैं 20 साइज़ की धोती बनाऊँगी तो उसमें अगर मैं 5 इंच रखूँगी कमर पट्टी के लिए, तो नीचे का बचा मेरा 15, तो 15 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ूंगी, आधा इंच नीचे का और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो इस तरीके से 1 इंच मुझे चाहिए, तो यानी 16 हो गया मेरा लेंथ। तो 16 में मैं क्या करूँगी कि 16 का आधा होता है 8, तो 8-8 करके 3 बार निशान लगाऊंगी। इस तरीके से हो गया कि इसका विड्थ हो गया 24 और लेंथ हो गया 16। इस तरीके से आपको रखना है और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का धोती के कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पट्टी को एक बार इस तरीके से मोड़ लेंगे और 1.5 इंच का दूरी पे एक निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच का दूरी पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हल्का सा गोलाई देते हुए हिप बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने इसका हिप काट के तैयार कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इधर साइड, देखिए मैंने इसे खोल लिया, और इधर साइड जो है तो इसे हम लोग गोल कर लेंगे, इस तरह से गोलाई में काट लेंगे इसको।
तो देखिए मैंने गोलाई में काट के तैयार कर लिया है, इसे गोल कर लिया इधर साइड में, और अब हम लोग खोल के देखेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा धोती दिखेगा। और अब क्या करना है, इसको आधा ही नीचे मोड़ लेना है इस तरह, दोनों साइड में जो सीधा भाग है दोनों का इस तरीके से मोड़ लेना है, और फिर उसमें हम लोग लेस लगाएंगे ऐसे। देखिए इस तरीके का लेस लगाएंगे हम लोग इसमें। तो चलिए मैं सिल के दिखाती हूँ। इस तरीके से दोनों को सिल लेना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीधे साइड में लेस लगा लेंगे, जो मैंने लेस दिखाया था आपको ये वाला लगा लेंगे लेस। तो मैं लेस लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों में लेस लगा के तैयार कर लिया है। तो अब क्या करना है, इधर गोलाई वाला हिस्सा है और इधर सीधा वाला जो हिस्सा है, तो हम लोगों को इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स देना है। प्लेट्स देने के बाद इसका 1.5 इंच लंबाई आए, यानी जितना ये है उतना ही हो जाए। छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स देते जाना है पूरे में इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, और इधर वाला प्लेट्स इधर साइड देंगे इस तरीके से। तो दोनों में मैं प्लेट्स दे के दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों में छोटे छोटे प्लेट्स दे के तैयार कर लिए हैं, और इसका प्लेट्स देने के बाद लंबाई जो है 1.5 इंच होना चाहिए, यानी कि आप जितना इधर हिप के लिए लिए थे उतना ही बचना चाहिए। देखिए इस तरीके से दोनों को मैंने तैयार कर लिया है, और दोनों का चुन एक ही साइड गया है, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। देखिए दोनों का चुन एक ही साइड गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला है इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है और इधर साइड का जो हिप है, उसको इस तरीके से मिलाते हुए, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से मिलाते हुए इसकी एक बार सिलाई कर लेंगे हम लोग। इस बात का ध्यान रखना है कि ये गोलाई वाला हिस्सा होना चाहिए। तो मैं सिल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिल के तैयार कर लिया है, इसको जोड़ लिया है, और ये देखिए ये गोलाई वाला हिस्सा था, इसी के तरफ का हिप था, इधर सिल लिया है मैंने। और अब क्या करना है, जो इधर चुन वाला भाग है उसको इस तरीके से, देखिए जो लेस वाला हिस्सा है उसको नीचे रखना है, और यहाँ ऊपर में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। इसी बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए अब तीनों को मिला के हम लोग इस तरीके से सिल के तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सिल के तैयार कर लिया है, तीनों को ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। तो अब क्या करना है, जो इधर का हिप का हिस्सा है इसको उल्टे साइड से पहले मोड़ लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो ये वाला हिप बचा हुआ है इसमें दोनों को मिलाते हुए, देखिए ध्यान से देखिएगा, तीनों को इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे तीनों को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों को हिप को जोड़ के सिल लिया है। तो अब हम लोग इसको रखेंगे। हमारी धोती कुछ इस तरीके से है। तो अब क्या करना है, जो ये पीछे का जो है तो उसमें इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाने हैं, जैसे हम लोग साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं उसी तरीके से इसमें प्लेट्स बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे सिलाई चला देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट्स बना के सिलाई कर लिया है, और अब इधर साइड भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे पीछे उधर साइड किया था मैंने, साड़ी की तरह ही प्लेट बनाते जाना है इसमें इस तरीके से। और इस पे भी सिलाई चला लेंगे। देखिए सिलने के बाद हमारी धोती कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो अब हम लोग इसका कमर का विड्थ नाप लेंगे। कमर पट्टी के लिए देखिए इसका विड्थ है 4.5 इंच, तो उसी के अनुसार से हम लोग कमर पट्टी काटेंगे।
अब हम लोग कमर पट्टी काटेंगे। तो कमर पट्टी का जो विड्थ था वो 4.5 इंच था, तो उसी के अनुसार से हम लोग काटेंगे। तो देखिए ये बंद भाग है, और बंद भाग की तरफ से मैं काट रही हूँ, तो इसलिए मैं 5 इंच लूँगी। और ये डबल फोल्ड में है, क्योंकि हमारा जो धोती था डबल फोल्ड में था, तो डबल फोल्ड में ही हम लोग कमर पट्टी काटेंगे। तो मैं 5 इंच इसका विड्थ ले रही हूँ, यानी 5 इंच, यानी आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो बचेगा 4.5 इंच। तो ये परफेक्ट साइज हो जाएगा। अब हम लोग इसका लेंथ 4 इंच लेंगे। तो 4 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि 1.5 इंच जो है वो मेरा नेफा में जाएगा, जो हम लोग ऊपर इलास्टिक के लिए मोड़ेंगे उसमें चला जाएगा, और आधा इंच जो है नीचे सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट साइज हो जाएगा। नीचे का साइज 5 इंच बचेगा सिलने के बाद, और इसका 2 इंच, तो 5 और 2 दोनों 7 इंच हो जाएगा। 5 इंच पर मैं निशान लगा दे रही हूँ, पहले निशान को मिला लेते हैं। अब इस कमर पट्टी को हम लोग काट लेंगे। देखिए मैंने कमर पट्टी काट के तैयार कर लिया है। तो अब क्या करेंगे कि इस पे सिलाई चला लेंगे, जो खुला वाला हिस्सा है उसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई चला के तैयार कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेफा के लिए मोड़ लेंगे, जो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, तो उतना ही हम लोगों को इस तरीके से मोड़ना है। पहले क्या करना है, थोड़ा सा मोड़ना है, उसके बाद फिर इतना मोड़ लेंगे हम लोग 1.5 इंच। और मैं इसलिए पहले मोड़ ले रही हूँ क्योंकि धोती है छोटा साइज का, तो उसमें लगाने के बाद मोड़ने में दिक्कत होगी, तो पहले ही मैं इसे मोड़ के रेडी कर ले रही हूँ। तो चलिए मैं इस पर सिलाई चला के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने कमर पट्टी को सिल के तैयार कर लिया है, इसका नेफा बना लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा है, इस पर सिलाई नहीं चलाया क्योंकि यहाँ से हम लोग इलास्टिक डालेंगे। तो अब हम लोग इसको धोती में ज्वाइंट करेंगे। तो इसको इस तरीके से पलट लेंगे, धोती को सीधा ही रखना है, इसको नहीं उल्टा साइड करना है। और अब इसमें हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो सिलाई वाला हिस्सा है तो उसको आगे के साइड में बीचों बीच में रखेंगे, और इस तरीके से इस पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें कमर पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है, और जो सिलाई वाला हिस्सा था उसको मैंने आगे के साइड में बीचों बीच में रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे कि इसमें इलास्टिक लगाएंगे, जिसमें मैंने 6 इंच का इलास्टिक काट के रखा है। देखिए 6 इंच का इलास्टिक काट लिया है मैंने। तो अब क्या करना है हमको कि इसमें पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे, जहाँ से हम लोगों ने खुला छोड़ा था वहाँ से इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें इलास्टिक डाल लिया है, अब पिन को निकाल लेंगे। अब क्या करना है, दोनों इलास्टिक को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे मैं सिलाई चला लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई चला लिया है, तब इसको इस तरीके से मिला लेंगे, और जो खुला वाला हिस्सा है उसको सिल लेंगे, यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। देखिए हमारी धोती सिल के रेडी हो चुकी है, और सिलने के बाद इसका लेंथ 7 इंच बचा है। देखिए मैं नाप के दिखा दे रही हूँ आपको, देखिए 7 इंच परफेक्ट साइज है एकदम। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप भी बनाएं, और फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।